Yes, are you done with question number two? This one? Yes, ma'am. Okay. Now you have to do question number four. See, I'll read it for you and you have to solve it. Government of India bond. This is bond which belongs to Government of India. Of rupees 1,000 each, its face value. And coupon rate is 7.5% per annum. Maturity period is 20 years and the current market price is 1060. Solve and let me know the final answer. Okay, ma'am. Yeah, do it. Just a minute, I'll put this question before you. Yeah, is it visible? Yes, ma'am. Yeah, do it. I'm giving you 5 minutes. Done? Yes, ma'am. Yes, oh, ma'am. Tell me what is the answer, final? 4.37%. 6.99%. 6.99, Atifa is correct. Shivani, what happened? Itna easy hone ke baad bhi you cannot explain it wrong. हाँ mistake हो गया मैंने क्या mistake हुआ actually मैम मैंने divide 60/20 किया ना मैम तो मैंने 3 answer लिखना चाहिए था मैंने 30 लिख दिया उधर तो minus में wrong हो गया मेरा कभी zero खा जाती है कभी zero free में दे देती है चलो कोई बात नहीं correct करो answer को ठीक है अभी next question देखिए Third question, Mr. A is considering investment in one of the following bonds. Abhi do bonds diye hue X and Y. Hai pura same, sirf do baar sum karna hai. Ek bond X ke liye, ek bond Y ke liye. Aur next mein aapko comment karna hai ki agar sabse acha bond kaun sa hai aapke liye. Theek hai? X bond X and bond Y coupon rate is bond X ka 11%, coupon Y ka 12%. Maturity period hai aapka X का 10 years और bond Y का 7 years. Price per rupees 100 par value मतलब 100 face value है. Price मतलब market price. Rupees 100 par value मतलब 100 is face value. आया सब समझ में? Yes ma'am. हाँ अभी जो नीचे दिया हुआ ना 76 and 69 वो market price है. ऊपर लिखा हुआ price. प्राइस बाय रुपीस 100 पार वैल्यू मतलब प्राइस पर एक एक बॉन्ड का प्राइस कितना है अगर 100 फेस वैल्यू है तो प्राइस है 76 एक्स का और 69 है वाई का रिकमेंड मतलब सजेशन दीजिए व्हिच बॉन्ड शुड बी परचेस्ड विल योर आंसर चेंज इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स इज 21% अभी ध्यान से देखो पहले मैं बता रही हूँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बाद हम लिखेंगे देखो अब बॉन्ड एक्स का आप पहले सॉल्व करेंगे ठीक है बॉन्ड एक्स में कूपन रेट है 11% तो 100 का 11% अब कूपन का फेस वैल्यू कितना सॉरी बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना 100 तो 100 का 11% 11 ही होता है आप चेक कर लो कैलसी पे ठीक है यस मैम हां अब प्लस करके ब्रैकेट में लिखोगे 100 दैट इज फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू 76 डिवाइड बाय मैच्योरिटी पीरियड 10 इयर्स होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 76 अपॉन 2 इनटू 100 ठीक है अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15.22 समथिंग आएगा और ऐसे ही वाई का सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा एग्जैक्टली 19.42 तो आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा अर्निंग्स किस में है एक्स में कि वाई में बॉन्ड वाई में बॉन्ड वाई में क्योंकि बॉन्ड एक्स का आंसर था 15.22 और बॉन्ड वाई का आंसर है सॉल्व करने के बाद 19.44 तो जितनी द मोर द अर्निंग्स द बेटर योर रिटर्न्स आर ठीक है आई मीन जो यील्ड यील्ड मतलब अर्निंग्स तो आपकी जितना जितना अर्निंग्स ज्यादा उतना आपके लिए रिटर्न्स बेटर होते हैं ना तो 19.44 आपके लिए ज्यादा अच्छा है ठीक है तो बॉन्ड वाई शुड बी परचेस्ड एज इट गिव्स हाईएस्ट YTM मतलब क्योंकि इसका वाई टी एम ज्यादा है इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको वाई परचेज करना चाहिए बॉन्ड वाई अच्छा अगर अगर इफ द रिक्वायर्ड रेट इज 21%
इफ द रिक्वायर्ड रेट इज 21% का मतलब क्या है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 21% है तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? मेरा आंसर क्या है? बॉन्ड वाई शुड बी परचेस्ड, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 21% अर्न कर सकूं, तो बॉन्ड एक्स में से कितना मिल रहा है? 15.22% कितना मिल रहा है? 19.44% एटलीस्ट ये 21 के आसपास तो है, 15 तो कितना दूर है? समझा तो 21 के आसपास ही तो आपको मिल रहा है, 19.44 मतलब ना 19.5, ठीक है, मतलब 21 के आसपास ही है ना आपका आंसर, तो आंसर विल नॉट चेंज बिकॉज़ इट ऑलरेडी प्रोवाइड्स हाईएस्ट रिटर्न्स. यस मैम, जो y हमारा बॉन्ड है वो ऑलरेडी हमको हाईएस्ट रिटर्न्स ही दे रहा है, तो मैं अपना आंसर क्यों चेंज करूंगी? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस मैम. चलो स्टार्ट करो, कम ऑन. अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना, स्टार्ट करो और आंसर्स कैलकुलेट करो, ठीक है? प्लीज डोंट डू मिस्टेक्स, आराम से करो. आई एम गिविंग यू 5-7 मिनट्स, ठीक है? अवॉइड योर सिली मिस्टेक्स. यस आई हैव गॉट द आंसर्स इन चैट बॉक्स. यस मैम, डन. यस, लास्ट में आपको फॉर्मूला का फुल फॉर्म तो लिखना ही पड़ेगा ना. YPM स्टैंड्स फॉर, सी इज कूपन, FV इज फेस वैल्यू, MV इज मार्केट वैल्यू, ये फुल फॉर्म तो आपको लिखना ही पड़ता है हर फॉर्मूला के नीचे, मतलब सम के लास्ट में. ओके मैम. यस ओके मैम, लिखना होता है. चलो अभी आंसर्स बताओ. फर्स्ट का कितना आया, एक्स का 15.23%, एंड व्हाट अबाउट वाई? 19.44% 4% सो वाई इज सिलेक्टेड. ओके, जस्ट लेट अस सी हाउ मेनी सम्स आर देयर, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि कितना होमवर्क लेना है और कितना हम लोग क्लास में कर सकते हैं. So sum number 5, again 2 bonds are there. We will do it now. ठीक है. Then we have 6th sum, again 2 bonds. So at least 6th sum homework ले सकते हैं, because उसमें भी 2 bonds हैं. Note down कर दीजिए, homework note down कर दीजिए. Sum number 6. Sum number 7 में एक ही bond है. And everything is given. सारे sums में ऐसे ही है, कुछ भी new नहीं है, है ना? 8th सम में आपको करवाती हूँ. सो 6 and 7 नोट डाउन एज होमवर्क. नोट कर रहे हैं? यस मैम. ये ऑलरेडी सेम सम रिपीट हो रहा है. हाँ, ये देखो, 1000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, 8% कूपन रेट, मैच्योरिटी पीरियड 20 इयर्स, मार्केट प्राइस 1050. ये अभी अभी किया था हमने, तो ये करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ये रिपीट हो रहा है. सो 6th and 7th होमवर्क. 10th is same as just now, 4th वाला सम उसके जैसे ही है. ओके, 10th, 11th, 1 minute, oh, just a minute. 12th, 13th, we have 14th, 15th, नहीं, 5th अभी करना है ना, सॉरी. सो 5th अभी कर रहे हैं. 6 आपने बोला. हां ठीक है. मिस्टर टाइगर इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स, मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है? बॉन्ड पी एंड क्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी एंड प्राइस पर
पार वैल्यू कितनी है 100 और प्राइस कितना है 80-50। सारी डिटेल्स दी हुई है और नीचे बोल रहा है कौन सा बॉन्ड हमको सिलेक्ट करना चाहिए और YTM निकालो। तो सबसे पहले YTM कैलकुलेट करेंगे और फिर सजेशन देंगे। चलो स्टार्ट करो, कम ऑन, लिखो YTM की फॉर्मूला। कौन बताएगा YTM की फॉर्मूला? कूपन प्लस होल द ब्रैकेट एफ फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय एन द होल डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय इनटू 100। वेरी गुड। सो राइट डाउन द फॉर्मूला। अभी पी के आंसर्स निकालेंगे। फॉर्मूला एक ही बार लिखनी है एंड देन फिर पी का आंसर एंड देन क्यू का आंसर दैट वे, ठीक है? सो बॉन्ड पी, सो टेल मी बॉन्ड पी का सी क्या है? 14% कूपन रेट दिया हुआ है। सो 100 का 14% इज 14। वेरी गुड। ओके, फेस वैल्यू कितना है? प्लस कूपन रेट प्लस 14 के बाद प्लस की साइन डालकर पुट अ ब्रैकेट। टेल मी आंसर क्या होगा इसका? फेस वैल्यू का 100 माइनस मार्केट वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 80 मैच्योरिटी पीरियड एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स 8 इयर्स होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 अपॉन 2। ऊपर आपने 100 माइनस 80 किया तो आपको 100 प्लस 80 अपॉन 2 करना है इनटू 100। यस, सॉल्व करके कम ऑन जल्दी आंसर बताओ आप। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 14 प्लस सेम लिखोगे। So 100 minus 80 divided by 8. So what is the answer? 2.5. Plus 2.5 आ रहा है ना? Yes ma'am. हाँ ma'am plus 2.5. तो आप लिखोगे कैसे? 14 plus 2.5 divided by and अब आपको क्या करना है? 100 plus 80 divided by 2 करना है. Yes, 90. 180 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 2 तो 90 आएगा नीचे का डिनोमिनेटर का। 90 इनटू 100 करो और न्यूमरेटर का आंसर बताओ। 14 प्लस 16 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 16.50। वेरी गुड। 14 प्लस 2.5 इज 16.50। सो 16.50 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 18.33% चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। 18.33 आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। यस मैम। हम लोग ऐसे बॉन्ड क्यू का कैलकुलेट करेंगे। लिखो सी इज इक्वल्स टू सॉरी YTM इज इक्वल्स टू बोलो सी कितना है? 12% ऑफ 100। तो 100 का 12% कितना होता है? 12। वेरी गुड। 12 प्लस की साइन डाल के ब्रैकेट शुरू करेंगे। ओपन द ब्रैकेट एंड राइट डाउन 100 इज द फेस वैल्यू माइनस व्हाट इज मार्केट वैल्यू? 50। सो 100 माइनस 50 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स इज हाउ मच? 6। नंबर ऑफ इयर्स 6। ब्रैकेट क्लोज 100 माइनस 50 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 अपॉन 2 इनटू 100। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन 12 प्लस सेम लिखेंगे आप अंटिल यू ओपन द ब्रैकेट। सो 12 प्लस नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड टेल मी द आंसर। 100 माइनस 50 अपॉन 6 8.33। सो 12 प्लस 8.33 अपॉन 100 प्लस 50 अपॉन 2 75 75 एंड इन 200 तो आपको लिखना ही है, ठीक है? सो 100 सॉरी 12 प्लस 8.33 कितना आएगा? 20.33 अपॉन 75 इनटू 100। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 27.12%। चेक करो यहाँ पे 27.12 आ रहा है, ठीक है? तो
आपका बॉन्ड पी का आंसर आया 18 पॉइंट समथिंग और बॉन्ड क्यू का आंसर आया 27.11. सबसे ज्यादा किसका है रिटर्न्स? बॉन्ड क्यू का. तो क्यू का मैम, मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट YPN, ये देखो. और सेकंड क्वेश्चन था विच वन वुड यू रिकमेंड, विच बॉन्ड वुड यू रिकमेंड. तो कौन सा बॉन्ड आप रिकमेंड करोगे बोलो? बॉन्ड क्यू. अभी ये सिमिलर क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, देखो. ये देखो यहाँ पे, ये ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. हाँ, क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. मिस्टर लायन वांट्स टू इन्वेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1000 मैच्योरिटी एट पार. मतलब फेस वैल्यू कितना है? 1000. और यहाँ पे लिखा है प्राइस पर रुपीज 100 पार वैल्यू. तो अब दो दो आप बोलोगे दो पार वैल्यूज दी हुई है. नो, ओनली एक ही दिया हुआ है. आप देखो 1000 ही होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये 100 yes, नहीं है, ये 1000 है. Yes. That okay with everyone? Yes, ma'am. Yes, this is not 100, this is 1000. So ये सब आप होमवर्क में ले सकते हो. Everything is given. अभी अभी जो हमने सम किया बिल्कुल वैसे ही है. Yes, ma'am. तो sixth सम होमवर्क, और मैं पहले बता दिया था seventh सम is also homework. एक ही बॉन्ड है, वो हम होमवर्क भी कर सकते हो. ऐसे तो बहुत सारे सम्स हैं. Yes, ma'am. तो अभी सेम सेम है, पर ठीक है, हम कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ होमवर्क में लेंगे, ऐसे करके हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा. ठीक है, अभी देखो एट्थ सम. कैलकुलेट YPM ऑफ बॉन्ड ए. एक ही बॉन्ड है, आपको उसका YPM निकालना है. एनुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कूपन रेट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड्स, इट हैज अ सिमिलर मीनिंग. एनुअल इंटरेस्ट मीन्स कूपन रेट इज 12%, फेस वैल्यू इज 100, प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 70 एंड मैच्योरिटी पीरियड इज 10 years. If bond B gives, if, अब वो बता रहे बॉन्ड ए का आप निकालो, और बॉन्ड अगर बी 20% दे रहा है तो विच वन इज बेटर टू इन्वेस्ट इन, ये भी बताना. चलो बॉन्ड ए का आंसर निकालो. पहले लिखो YPM ऑफ बॉन्ड ए, ऐसे लिखो YPM ऑफ बॉन्ड ए. फॉर्मूला लिखेंगे पहले और सॉल्व करके आप मुझे पहले बॉन्ड ए का आंसर बताएंगे. 2 minutes, just 2 minutes. You have 2 minutes to complete. Okay, tell me the answer now if you have done. 17.65%. Very good, 17.65. Now, consider this one also. If A bond gives you 17.65 and if B bond gives you 20% YTM, which one is better to invest in? Bond B. Very good. So that's what your answer is. Last comment. If bond B gives 20% YTM, then bond B is better for investment. Why? Because bond B gives the higher returns as compared to bond A. Yes, ma'am. Likho chalo ye same note likho. Bond B gives, if bond B gives 20% YTM, then bond B is more preferable to invest in because it gives higher returns as compared to bond A. Okay? Yes, ma'am. Now, start this some 10th wala. Do it by yourself. See? You are considering an investment in one of the following options. Bond A and bond B, two bonds are given. Okay. Coupon rate is 12% and 10%. Maturity period is 10 years and 6 years. And par value is 100, means face value 100. And market price is 70 and 60. So you all let me know the answers then. Two questions are asked. Which bond, calculate the YTM of each bond. And which bond would you prefer for the investment? Chalo karo. Question aapke samne hai.
सॉल्व कीजिए. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स.